उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में आने वाले एक मोहल्ले में रहने वाले रहवासी एक महिला से काफी परेशान है। जो महिला देह व्यापार कर रही है, जिसने अश्लीलता पूरे मोहल्ले में फैल रही है। नीलगंगा थाना प्रभारी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन पर अपनी समस्या बताई और इसे खत्म करने की मांग भी की। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि हमारे मोहल्ले में एक महिला के द्वारा पैसे लेकर शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। इस महिला से मिलने के लिए घर पर आने जाने के लिए लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े की और विवाद बड़े स्तर पर होने की संभावनाएं का भय बना रहता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मोहल्ले के लोग परेशान हैं और किस प्रकार से सब लोग परेशान हो रहे हैं? जी भाई साहब, न्यू अशोक नगर में हमारे मोहल्ले में ही मेरे घर से कुछ ही दूर पे एक महिला है, वो सेक्स रैकेट चला रही है और उसके सेक्स रैकेट के कारण पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं। हमने PI को ओरल शिकायत करी। ओरल में हमने उनको बोला है कि ये सब इस प्रकार का काम हो रहा है, तो PI साहब ने कांस्टेबल के सामने हमारे साथ पहुंचाया था। उसको हमने घर भी बता दिया और इसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लगातार कार्यक्रम उनका चालू है, नए नए लोग आते हैं, गाड़ियां अन्य जगह पार्क कर देते हैं, आते हैं, उनका काम करके चले जाते हैं। महिला बच्चे वगैरह पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं। कौन से थाने में आता है ये? नीलगंगा थाने में। आपने थाना प्रभारी, नीलगंगा थाना प्रभारी साहब को बताया था? हाँ जी जी। आज भी आपने अधिकारी को फोन बताया था? हाँ जी हाँ जी। हमने ओरल शिकायत करी है, अभी तक लिखित शिकायत नहीं करी है। ताकि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।